Once again, welcome to my YouTube channel DGP Maths. Friends, now we are going to start our another level of mathematics, that is advanced mathematics. Advanced mathematics के अंदर हमारे पास काफी सारे chapters हैं, 5 chapters. उसमें से जो सबसे पहला chapter है, वो है complex number. अब already आप 10th standard तक काफी सारे numbers एक पढ़ चुके हैं. हम थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों है वो हमें देखना है. तो सबसे पहले हम देखें n, n इज नथिंग बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का गण. तो n के अंदर क्या आता है, तो n के अंदर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन्हें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और उसे हम n से डिनोट करते हैं. इसके बाद जो हमने दूसरा सेट देखा है w, या फिर सेट ऑफ होल नंबर्स. सो n में हम एक सिर्फ 0 यहां पे ला दें, सो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो ये जो सेट हो गया हमारा, दैट इज W, that is set of whole numbers. So n के साथ अगर हम 0 ला दें तो वो हमारा सेट हो जाएगा W, which is set of whole numbers. Next जो है z, z means set of integers, पूर्णांक संख्याओं का गुण. तो इसके अंदर क्या आता है, 0 ± 1 ± 2 ± 3 एंड सो ऑन. तो इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स. सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज डिनोटेड बाय z. इसके अंदर क्या आएगा, 0 ± 1 ± 2 ± 2 उस टाइप के सभी नंबर्स इसके अंदर आते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज q. Q is set of quotient or we can say set of rational numbers. तो Q के अंदर क्या आता है, तो Q के अंदर P upon Q form, इस form के digits आएंगे. तो P by Q form के numbers, जिसमें ये P और Q है, Q क्या है, what is P and what is Q? So this both P and Q belongs to z, यानी p और q की वैल्यू z में से कुछ भी हो सकती है. Only this q means this denominator should not be equal to 0. Denominator जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p और q की वैल्यू z में से कुछ भी हो सकती है. सिर्फ एक कंडीशन, denominator should not be equal to 0, बाकी सब p और q z में से कुछ भी हो सकता है. तो q के अंदर कौन सी डिजिट्स आएंगे, 1/2, 1/3, 5/7, 8/3, -3/4, इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सब q में आएंगे. नेक्स्ट इज r, विच इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मींस ये सब नंबर भी आएंगे, और जो नंबर्स यहां क्यू में नहीं है, मींस सेट ऑफ रेशनल में नहीं है, इरेशनल नंबर, वो नंबर्स भी यहां पे आर में आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स आप ट्राई करिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो आर में है लेकिन क्यू में नहीं है. तो फॉर एग्जांपल √2, √2 इज अ रियल नंबर, but root 2 is not belonging to set of rational number, q में वो नहीं है. अगर हम ऐसा कहें कि हम root 2 को root 2 upon 1 लिख सकते हैं, तो वो क्या q में नहीं है, so answer is no. यहाँ पे p और q के ऊपर क्या restriction है, p q belongs to z, वो z में होने चाहिए. तो अगर मैं root 2 को root 2 upon 1 लिखूंगा, तो root 2 वो z में नहीं है, therefore root 2 is not in the set q. So root 2 is in the set of real numbers. तो यहां तक के set हमने already 10th standard तक पढ़े हुए हैं.
n set of natural number, w set of whole numbers, set of integers, z set of quotient or set of rational number, set of real numbers. अब हमें जो next है complex number पढ़ना है. So why we need complex number? सबसे पहले वो question हमारे mind में आना चाहिए. ये जो set है क्या इससे हमारे सारे काम नहीं हो जाते हैं कि हमें complex number की जरूरत पड़ी? तो उसे हम एक example से समझने का try करेंगे. ये एक इक्वेशन है x square minus 1 is equal to 0. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मींस हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स? x square minus 1 is equal to 0, तो minus 1 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा x square is equal to 1. So x is equal to square root of 1, तो x is equal to plus minus 1, यानी हमें x के यहाँ पे दो आंसर मिल गए, x is equal to plus 1 and x is equal to minus 1. So we have two answers. तो इस equation को solve करने में हमें कोई problem नहीं हुआ. Similarly हम एक दूसरा equation लेते हैं. Solve x square plus 1 is equal to 0. तो इसे हम इसी तरह solve करने का try करेंगे. तो x square is equal to minus 1. So x is equal to root minus 1. तो friends अब यहाँ पे हमें कुछ problem हो रहा है. x is equal to root minus 1. Square root के अंदर negative quantity हमें यहाँ पे मिल रही है. अभी तक हमने square root के अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में ही डील की है. तो ये x is equal to root minus 1, इसका आंसर हमारे पास जो ये पांच सेट है उसमें नहीं है. तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक नया सेट डिफाइन किया, नया नंबर सेट राइज किया है, और वो हम अब यहां पे पढ़ेंगे. Now we want to learn the definition of complex number. तो complex number की definition क्या है? So a number of the form x plus iy. इस form का कोई number x plus iy where x and y, ये जो x है और y है, so where x and y are real numbers. X और y जो है these are real numbers and I is equal to root minus 1. जो I है, उस I को हमने लिया है root minus 1. This I is known as imaginary unit. ये एक काल्पनिक एकम है friends. हम कह सकते हैं कि हमने root minus 1 को I से denote कर दिया है. तो x plus iy, where this xy belongs to R, that is real number, and I is equal to root minus 1, is called complex number. फिर से, a number of the form x plus iy, where this xy belongs to R, that is real number, xy की value real number में से कुछ भी हो सकती है, and I is equal to root minus 1, is called complex number. इसी को हम एक दूसरी तरह से represent कर सकते हैं. Suppose हम complex number को denote कर रहे हैं C से. So C is equal to x plus iy, x plus iy form के number, where this xy belongs to R and this I is equal to root minus 1. This is also called set of complex number.
तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें ये x क्या कहलाता है, y क्या कहलाता है, i क्या कहलाता है, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू x प्लस i y, ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जहां पे x और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो पार्ट है x, इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो y है विथ इट्स साइन, मींस यहां पे प्लस y है तो हम प्लस y लेंगे, अगर यहां पे माइनस आई वाई होगा तो माइनस y। सो दिस y इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। सो x इज द रियल पार्ट एंड दिस y इज द इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है तो हमेशा हम पहले रियल पार्ट लिखेंगे, दैट इज x, एंड देन वी राइट y। सो दिस xy इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर दिस x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। व्हाई दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहां पे हम एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स नहीं लिख सकते, अगर हम वाई एक्स लिखेंगे तो वो हो जाएगा वाई प्लस आई एक्स, तो वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो हमेशा यहां पे हम रियल पार्ट लिखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट। यहां पे जो हमने लिखा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो आई है वो वाई के बाद में भी लिख सकते हैं, वाई के पहले भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन याद ये रखना है कि जो i के साथ में जो है उसी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई फॉर्म का एक नंबर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड i इज इक्वल टू रूट माइनस वन। दिस i इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट, i इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट, और इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अभी तक हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं देखा है, लेकिन यहां पे इमेजिनरी यूनिट आई का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, माइनस वन। So, I is the imaginary unit, एक ये काल्पनिक एकम है, उसकी प्रॉपर्टी हम ये लेते हैं हमेशा I square is equal to minus 1. तो फ्रेंड्स z is equal to x plus i y, this is known as real part of complex number, this is known as imaginary part of complex number, इसे हम ordered pair के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x y। I जो है वो imaginary unit है, उसकी प्रॉपर्टी है I square is equal to minus 1। किसी किसी बुक में i की जगह पे j भी यूज किया हुआ होता है, क्यों, बिकॉज समटाइम्स दिस i इज स्पेसिफिकली यूज फॉर सम अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में i स्टैंड्स फॉर करंट, तो वहां पे जब कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है तो हम j यूज करते हैं, मीन्स x प्लस जे वाई। तो एक्स वाई अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दिस जे इज इमेजिनरी यूनिट विद अगेन इट्स प्रॉपर्टी जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड जे इज इक्वल टू रूट माइनस वन, तो वहां पे हम जे यूज करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में फिलहाल हम यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आई ही डिनोट करेंगे। आफ्टर लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर मूविंग बैक टू अवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। हमने ये इक्वेशन लिया था x square plus 1 is equal to 0 और फिर हम वहां आगे जाके स्टॉप हो गए थे, क्योंकि हमारे पास जो सेट अवेलेबल थे उसके अंदर इसका सॉल्यूशन नहीं था। अब हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर लिया है तो उसके ऊपर से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सो x square is equal to minus 1, x is equal to root minus 1, तो x की वैल्यू होगी, अब हमें पता है रूट माइनस वन मींस इमेजिनरी यूनिट दैट इज i, यहां पे रूट है, हम दोनों आंसर लेंगे प्लस एंड माइनस i। तो x की एक वैल्यू मिली हमें प्लस i
और x की हमें दूसरी वैल्यू मिली माइनस आई, तो हमें यहाँ पे x के दो रूट्स मिल गए। तो अब हम इस टाइप के इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री, डिग्री मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके हमें दो रूट्स मिलने चाहिए, दो रूट्स मीन्स दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू प्लस आई, दूसरा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू माइनस आई। लेट्स चेक कि ये सर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू आई के लिए, तो यहां पे x स्क्वायर की जगह पे हम i पुट कर देंगे, तो i स्क्वायर प्लस 1, सो i स्क्वायर वी नो दैट हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी, i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू i इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अनदर रूट x इज इक्वल टू माइनस i के लिए, तो माइनस i स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस आई माइनस इनटू माइनस विल बी प्लस, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर इज अगेन माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस आई, x इज इक्वल टू माइनस आई, दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसकी जितनी डिग्री है हमें उसके उतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, व्हाट इज प्योरली रियल नंबर, व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमें देखना है। Now we want to see real part and imaginary part of complex number, purely real number, purely imaginary number. So for example, if I am taking z is equal to x plus iy, इसे हम ordered pair में लिखना चाहें तो xy भी लिख सकते हैं। तो x plus iy में जैसे हमने आगे अभी देखा था, x is known as real part, this y is known as imaginary part of complex number. तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल से देखना चाहेंगे। सपोज आई एम टेकिंग z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड्स, i हम 2 प्लस i 3 लिखे, 2 प्लस 3i लिखे, बोथ आर सेम। इसे अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 कॉमा 3, सो रियल पार्ट, रियल पार्ट को हम आर ई से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है, जेड वन हमने लिया है, तो जेड वन इज इक्वल टू 2, तो इसका रियल पार्ट था 2, तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज 2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं आई एम से, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल टू, इसका इमेजिनरी पार्ट है 3। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जेड टू इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8 आई, माइनस 4 माइनस 8 आई, इसे अगर हमें पैर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट है माइनस 4, सो माइनस 4 कॉमा इमेजिनरी पार्ट माइनस 8, सो रियल पार्ट को अब हम सिर्फ नोटेशन से डिनोट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू माइनस 8। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, z3 is equal to minus 5। फ्रेंड्स यहाँ पे z3 is equal to minus 5 है, कोई i वाला पार्ट नहीं है, तो इसे अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं minus 5 plus i 0 या 0 है। अगर हमें इसे पैर में लिखना है तो इसका रियल पार्ट है minus 5, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, मींस इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो आई कैन राइट दिस एज minus 5 0।
So real part of Z3 is equal to minus 5 and imaginary part of Z3 is equal to 0. तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट ना हो या इमेजिनरी पार्ट जीरो हो तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कहते हैं. सो हियर Z3 इज प्योरली रियल बिकॉज इमेजिनरी पार्ट इज जीरो. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल Z4 इज इक्वल टू माइनस 8i. यहां पे रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ आई वाला पार्ट ही है. तो इसे अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस 8i. इसे अगर हमें पैर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 8. तो फ्रेंड्स रियल पार्ट किसका हो गया? Z4 का 0. इमेजिनरी पार्ट किसका हो गया? माइनस 8. तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट नहीं था, तो इसे हमने कहा था प्योरली रियल. सिमिलरली यहां पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट नहीं है या रियल पार्ट जीरो है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी. तो प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट जीरो है, सिर्फ रियल पार्ट ही है. प्योरली इमेजिनरी मीन्स सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट जीरो है. सो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्योरली रियल नंबर क्या है और प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या है. Now we want to study conjugate of complex number. So if z is equal to x plus iy is a complex number, then its conjugate is defined and denoted as z bar. अगर z complex number है तो इसके conjugate को हम z bar से denote करते हैं. And this will be equal to, how we will find? By changing the sign of only imaginary part. सिर्फ imaginary part की sign change करते हैं. तो यहां imaginary part है प्लस वाई, तो उसकी साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वाई. सो जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई. फिर सर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं? उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं. तो यहां पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, अगर वो माइनस है तो हम उसे चेंज करके प्लस कर देंगे. अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही नंबर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होगा. फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी z1 बार. And this will be equal to, यहां पे imaginary part है 4, तो उसकी sign change हो जाएगी. So this will be 3 minus 4i. Another example, z2 is equal to minus 4 minus 5i. तो z2 का conjugate या z2 bar will be equal to, फिर से हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की ही साइन चेंज करनी है, रियल पार्ट का कुछ नहीं करना है. तो माइनस 4 विल बी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस हो या माइनस हो. इमेजिनरी पार्ट है यहां माइनस 5, तो वो हो जाएगा माइनस की जगह पर प्लस 5i. तो ये दो एग्जांपल हमने लिए. अब फ्रेंड्स
अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सपोज लेट्स टेक दिस एज 1 प्लस 2y, इसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं z बार इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 2y। इस कॉन्जुगेट का अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट लूंगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2i। तो आप देख सकते हैं कि z एंड z बार का भाग बोथ आर सेम। फ्रॉम दिस यू कैन ऑब्जर्व z एंड z बार का फिर से भाग इज सेम। तो इसके ऊपर से हम एक इन जनरल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इन जनरल, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करें, जो आंसर मिले उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो दैट विल बी z। यानी किसी नंबर का हमने कॉन्जुगेट किया, उसका फिर से कॉन्जुगेट किया तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। एक दूसरा हम यहां पे एक ऑब्जर्व करना चाहेंगे, सपोज z 3 इज इक्वल टू 5, दिस इज प्योरली रियल। इसका अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो z 3 बार विल बी अगेन 5, क्योंकि यहां पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वही, तो इसका कॉन्जुगेट 5 का कॉन्जुगेट 5 ही हो गया। तो इसके ऊपर से हम एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली रियल नंबर। तो वो प्रॉपर्टी होगी इफ z इज प्योरली रियल, देन क्या होगी प्रॉपर्टी, कि अगर प्योरली रियल नंबर है तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट बोथ विल बी सेम। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे z बार इज इक्वल टू z। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, बट दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल है तो z बार इज इक्वल टू z। ये जो प्रॉपर्टी है इन जनरल वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इंप्लीमेंट होगी। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर प्योरली रियल, मींस इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। नेक्स्ट इज लेट्स टेक z4 इज इक्वल टू -i3, सो z4 इज प्योरली इमेजिनरी। इसका अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे z4 बार, सो दैट इज इक्वल टू, यहां पे कोई रियल पार्ट नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू i3। हमने इसकी साइन चेंज कर दी। तो यहां पे हम फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी बनाई, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी हो, उसी केस की बात हम यहां पे कर रहे हैं, तो z4 बार एंड z4, अगर मैं z4 बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस z4 कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस i3, सो बोथ विल बी सेम। तो उस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, z बार विल बी इक्वल्स टू, तो z के आगे अगर हम माइनस लगा दें, माइनस z कर दें, तो z बार और माइनस z बोथ विल बी सेम। सो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो हमने यहां पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसे हम यहां बार से डिनोट करते हैं, और कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। यहां पर हमने दो एग्जांपल देखे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। यहां पे हमने देखा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, उसका फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से हमने एक प्रॉपर्टी बनाई इन जनरल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उसका फिर से कॉन्जुगेट तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, मींस z बार का बार इज इक्वल टू z। फिर हमने यहां पे प्योरली रियल नंबर लिया, तो प्योरली रियल नंबर के लिए हमने देखा कि उसका कॉन्जुगेट और वो नंबर दोनों सेम है, तो हमने यहां पे ये प्रॉपर्टी लिखी फॉर प्योरली रियल नंबर ओनली z बार इज इक्वल टू z। फिर हमने यहां पे लिया इमेजिनरी, तो z4 इज इक्वल टू -i3, उसका हमने कॉन्जुगेट किया तो i3 हो गया। तो यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम इसमें माइनस लगा दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका कॉन्जुगेट और वो नंबर दोनों सेम हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ये बनी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन z बार इज इक्वल टू -z, बट दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर। Now we want to study
कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन डायग्राम. व्हाट इज दिस? सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एस पॉइंट्स इन आर टू. तो फ्रेंड्स, जैसे हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. सो हियर एक्स एक्सिस विल वर्क एज रियल एक्सिस. Similarly, this axis is known as y-axis. So y-axis will work as imaginary axis. So this is real axis, this is imaginary axis. यहां पे उसके positive points आएंगे. Suppose this is 1, 2, 3, 4 and so on. Over this side negative, so minus 1, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड सो इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी पॉइंट्स आएंगे. सपोज यहां पे है तो आई, टू आई, थ्री आई एंड सो ऑन. यहां पे नेगेटिव, सो माइनस आई, माइनस टू आई, माइनस थ्री आई एंड सो ऑन. So how we can plot any complex number in Argand diagram or complex plane? So for example, z1 is equal to 2 plus 3i. तो इसे हम ordered pair में कैसे लिखते हैं? Ordered pair में लिखते हैं 2 comma 3. तो यहाँ पे जो first है, वो real part है, तो उसे हम real axis पे plot करेंगे. जो इमेजिनरी पार्ट है 3, उसे इमेजिनरी और दोनों पॉइंट्स यहां पे मिल रहे हैं, वो हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा. तो रियल एक्सिस पे 2 है तो यहां पे हमें 2 फाइंड आउट करना है. सो 2 इज ओवर हियर. ऑन इमेजिनरी एक्सिस 3 है, सो इमेजिनरी एक्सिस पे प्लस 3 है, तो यहां पे तो वो दोनों पॉइंट्स हमारे इस जगह पे मिल रहे हैं. तो ये जो है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 is equal to 2 plus 3i. So in this way we can plot any complex number on complex plane or Argand diagram. ये जो plane है, इसे हम complex plane या Argand diagram कहते हैं. Let's take another point. Z2. Z2 is equal to, let's say, minus 1, minus 3i. इसे अगर हम pair में लिखें, ये हो जाएगा minus 1, comma, minus 3. तो real axis पे minus 1, तो यहां से हम left side लेंगे, so this is minus 1. Imaginary axis पे minus 3, तो हम उसे नीचे लेंगे. तो ये दोनों points जो है, वो हमारे यहां पे मिल रहे हैं. So this point is nothing but Z2 is equal to minus 1 minus 3i. चलिए, इसी तरह से अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो यहां पे Z2 बार अगर हम ये, so Z2 बार क्या होगा? तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर means reversing the sign of imaginary part. Imaginary part की साइन हम चेंज करते हैं. तो minus 1 plus 3i, इसे हम पैर में लिख सकते हैं माइनस वन कॉमा थ्री. तो माइनस वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी में प्लस लेंगे, तो ये यहां पे आ जाएगा. सो दिस पॉइंट इज जेड टू बार. सो जेड टू बार इज इक्वल टू माइनस वन प्लस 3i. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2, ये उसका कॉन्जुगेट. चलिए, Z1 का अगर हमें कॉन्जुगेट प्लॉट करना है तो Z1 इज 2 प्लस 3i. Z1 बार क्या होगा? 2 माइनस 3i. तो कैसे प्लॉट करें? रियल एक्सिस पे 2, इमेजिनरी एक्सिस पे माइनस 3i. तो वो पॉइंट हमें यहां पे मिलेगा, दिस इज 2 माइनस 3i. सो दिस पॉइंट इज Z1 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i. So in this way we can plot any complex number or its any conjugate on this plane. This plane is known as complex plane or Argand diagram.